लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे ये क्या बाजी क्यों खत्म कर रहे हो? बिना पैसे बाजी कैसी? कर दी ना छोटी बात, हमारे पास क्या पैसों की कमी है क्यों रामचंद? नहीं दादा। ये लो। चलो बाजी शुरू करो। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम सब रुको, मैं देख के आता हूँ। रात्रि कौन सेल? कौन है? अजी गणेश और रामचंद्र हुजूर को अफसर साहब ने याद किया है। ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। जी हुजूर। कौन हो तुम लोग? अपनी मौत को भी नहीं पहचानते? वासुदेव हमें माफ कर दो, हम पैसों के लालच में बह गए थे। हाँ वासुदेव, वासुदेव चाहो तो तुम सीएस। चुप करो कमीनो, पैसों का लालच तुम जैसे गद्दारों को होता होगा, हम जैसे देशभक्तों को नहीं। नहीं नहीं वासुदेव, हमें एक मौका दे दो, हम भ्रूण साहब से कह के तुम्हारी सजा माफ करवा देंगे। आखिर हम सब दोस्त हैं। तुम्हारी दोस्ती तो कोयले के समान निकली, जो गर्म होने पर चलता है और ठंडा होने पर काला कर देता है। नहीं खुद तो गद्दार हो ही, हमें भी उस गर्त में ढकेलना चाहते हो? हमें एक मौका दे दो। हमें माफ कर दो। तुमने भारत माँ का जितना अपमान करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं करने दूंगा। हमें माफ कर दो। हुजूर, ये गणेश के हितर में से एक को पहचानता है। बताओ जल्दी बताओ। बताओ साठ। Are these the three? क्या यही तीनों है? हाँ।
माय लॉर्ड, इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने मिस्टर रान की हत्या में अपने भाई दमदार के साथ किया and murdered two witnesses, Dinesh and Ramchandra Dravid. In addition, Vasudev and his friend Sate attempted to kill Constable Handu. This must not be tolerated. अरे वकील साहब, जज साहब, इतने परपंच रचने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसे अपराध कह रहे हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए ही क्या, हर उस देशवासी के लिए गर्व की बात है जो अपनी मातृभूमि की संप्रभुता के लिए लड़ता है। मिस्टर रैंड जो हमारे देशवासियों पे अत्याचार कर रहे थे, उसी का बदला लेने के लिए हमने उनको सजा दी, और इस बात का हमें कोई पछतावा नहीं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। जब जब भारतीयों पर अत्याचार होंगे, हम इसी तरह उसका बदला लेते रहेंगे। इन फिरंगियों से अपने देश को मुक्त करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मन में कोई मलाल मत रखना, तुम्हें काहिस सुखी नाई के लिए कुछ कुछ गलत नहीं किया। हम ही थे जो सोचते रहे तुम कोई कोटे मार्ग पे जा रहे हो, जवाबदारी नहीं समझते। तुम लोगों ने जो किया हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं देवाला प्रार्थना करी तुम ही मेरे बेटे बनो। बेटा, हम इस बात का दुख नहीं है कि हम तुम्हें खो रहे हैं, बल्कि इस बात का गर्व है कि आज के बाद हम तुम्हारे माँ बाप कहलाएंगे। हमने जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, हो सके तो हम प्रणाम तिलक जी। वाह, तुम्हारे इस भाव को देखकर मेरे मन की सारी शंकाएं मिट गईं। तिलक जी, मातृभूमि की रक्षा में अक्सर प्राणी को किसी चीज का भय नहीं होता, ये शिक्षा भी आपने ही दी थी। इन फिरंगियों की फांसी मेरे मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकती। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। मृत्यु तो एक महान सत्य है दामोदर, पर चाहे वो फांसी के रूप में ही क्यों ना आए, है ना? जी तिलक जी।
अभी तुम्हारी फांसी में कुछ वक्त बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम तब तक गीता का पाठ करो। इससे तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को शांत रखने में बहुत मदद मिलेगी। गीता में ही तो कहा गया है कि मनुष्य की मृत्यु तो मात्र एक साधन है आत्मा के लिए वस्त्र बदलने का। ठीक वैसे ही जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है। मानते हो ना? जी तिलक जी। तुम्हारे इस बलिदान से इस देश के नौजवानों को एक प्रेरणा मिलेगी, इस देश को एक नई दिशा मिलेगी। वीरों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपमान की जिंदगी से अच्छा सम्मान की मौत है। उठिए, जागिए और लोगों को जगाइए। अपनी मां बहनों का अपमान बहुत सह चुके हैं। गांव गांव ये संदेश फैलाए कि इनके अत्याचार को सहने की जरूरत नहीं है, प्रतिरोध जरूरी है, वरना अत्याचारी और भी निरंकुश हो जाते। भारत मां हमारा बलिदान मांग रही है, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हमारा बलिदान एक क्रांति की ऐसी लहर लेकर आएगा जो इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! फांसी पर चढ़ा सकते हो पर हमारे विचारों को नहीं। हम तीन भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस महान धरती से लाखों क्रांतिकारी जन्म लेंगे जो ऐसा सैलाब लाएंगे कि इस देश से गुलामी को जड़ से मिटा देंगे।